Hey guys, तो यहाँ से हमारा डेकोरेशन चालू होता है। अभी समझ में आपको नहीं आ रहा है, बट ये रात के टाइम में आपको समझ में आएगा इसकी लाइटिंग जो भी खूबसूरती होगी। लेकिन मम्मी जी ने क्या लगाया, मम्मी इतना लंबा सिंदूर लगाया हुआ है, टाइम नहीं होता तैयार होने का, और हमारे घर में शादी है तो इसकी वजह से तैयार ये हो गई। मम्मी डैडी हो चुकी है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी मम्मी कैसी लग रही हूँ। और नीचे बहुत सारे लोग थे और दुल्हन भी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। क्या बोलेंगे, इतना खुशी का माहौल है, भगवान बरसा दे रहे। Hey guys, सुबह के बज चुके हैं 7, एंड अभी का सीन ये है, हमारे फूफा जी फूफा आए हुए हैं, और चलो बनी, चलो ऊपर ऊपर जा, ऊपर जा, चलो ऊपर जा, जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग, स्वागत करते हैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रुद्र पूजा टॉक्स, एंड जो हमारा इंट्रो है, हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, सलाम, केम छो, एंड भोजपुरी में बोले तो कैसे बन रहे हुआ सब। सुबह के बज चुके हैं अभी 7, और इस टाइम मैं निकला हूँ अपने गाँव में घूमने के लिए। एक्चुअली हम थोड़ा सा टहल रहे हैं, अभी घर में है शादी और हमारी कजन सिस्टर का शादी है, तो आज का जो शेड्यूल होने वाला है वो काफ़ी बिजी होने वाला है, तो शायद आज कंटिन्यूस हम ब्लॉग शूट ना कर पाए, बट कोई नहीं। तो अभी मैं निकला हूँ और मेरे साथ अंशु है, हेलो, तो चलते हैं थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। हे गाइस, तो यहाँ से हमारा डेकोरेशन चालू होता है, तो ये वगैरह डेकोरेशन जो अभी देख रहे हो, ये अभी लग रहा है यहाँ पे, ये लाइटिंग है, तो यहाँ से डेकोरेशन चालू होता है। यहाँ से जो भी है आपको लाइटिंग काम दिखेगा, ऐसे अभी समझ में आपको नहीं आ रहा है, बट ये रात के टाइम में आपको समझ में आएगा इसकी लाइटिंग जो भी खूबसूरती होगी वो आपको रात में फील होगा। एंड ये सब आप देख सकते हो, जितना भी लाइटिंग वगैरह है, ये सब लाइटिंग का काम किया हुआ है यहाँ पे, बट दिन में इस लाइटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये रात होता तो आपको समझ में आता किसी खूबसूरती ऐसे। एक्चुअली हम आपको नाइट व्यू भी इसका कोशिश करेंगे कि दिखा देंगे क्या? अच्छा पूछना, बैग जाओ, बैग फिर जाओ, फिर जाओ, अच्छा आओ, जाओ, कहाँ जा रही हो पूजा? मैंने दूध अपना पी लिया, वो ग्लास रखने जा रही हूँ उसको, उसके बाद हिचकी आ रही है, उसके बाद बाबू के कपड़े धोने जा रही हूँ। अच्छा, इसके बाद के बाद मुझे हंसी आ रही है। जो डेली वर्क होता है वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक्चुअली बाबू सो चुका है, तो हमें थोड़ा सा वर्क ये है कि बाबू के पास रहना है, बिकॉज बाबू उठ ना जाए वो देख रहे हैं। मैं जा रही हूं कपड़े, और इन्हें काम क्या है कि बाबू के जो भी गंदे कपड़े हैं उन्हें धोना है। बहुत कपड़े गंदे कर रखे उसने, दो बाल्टी दो रख रखा है। क्या हुआ? कॉम्प्लान के डब्बा है। You are Complan girl. जल्दी पियो Complan. Complan पीना है? नहीं, मैं Complan नहीं, मैं Horlicks पीती हूँ। Mother Horlicks. क्या पीती हो? Mother Horlicks. इसलिए मदर की तरह होती जा रही हूँ। वैसे पता है, बेबी होने के बाद सभी मुझसे अपनी दुबलेपन होने का राज पूछते थे, ठीक है? और अब सब हमसे मोटे होने का राज पूछेंगे। देख सकते हैं कि मम्मी जी ने क्या लगाया, मम्मी इतना लंबा सिंदूर लगाया हुआ है, इतना कुछ आ गया सुबह में, मछले है सुबह में, आज मॉर्निंग में ना पनकट्टी में मम्मी गई थी। क्या हुआ था मम्मी, क्या पानी कटाता है, आज कोई वीद होता है ना, पानी काटने वाला, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में, तो उस टाइम से ही लगा हुआ है। अच्छा, नाक पे था, यहाँ से था, हाँ, इतना उखला उखला किया है तो कुछ आ गया है, इतना बच्चा। क्या बात,
हमको थोड़े लगा सारा लोग सब लोग लगता हाँ, जितना लोग गया सबको लगा अच्छा ना मिला चना खा लेना चना 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 तो चना तो घोड़ा खाता है चना तो घोड़ा खाता है आदमी खाता है तो पेट साफ होता है नहीं आदमी भी घोड़े की तरह ताकतवर हो जाता है सब्जी है रोटी बना देंगे खा लेंगे क्या बोल रहे थे आम हुआ क्या बोलते हो आम हुआ बिलौकी तो अपना चार घर बनाएगा बस उसके बाद हम कहीं फूफा जी गाड़ी चला के आएगा एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रुद्र पूजा टॉक्स और मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने येलो ड्रेस पहना है और ये मैंने सेकेंड डे पहना है ये ड्रेस और आप लोगों को शायद याद होगा कि ये मैंने प्री बेबी शूट में पहना था ड्रेस और बाबू को मैंने सला दिया है अभी और ये अभी फ्रेश होने गए हैं और आज है हमारे घर के बगल में शादी और कल हल्दी थी और आज मैंने येलो पहना है तो अब अभी बिलौकी का टाइम है मम्मी भी गई हैं रेडी होने और मम्मी आती है रेडी होके तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को और ये है कि लगभग टाइम 11 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ एक्चुअली मैं जा रहा हूँ मार्केट एंड ये भी रेडी हो चुकी है जरूर बताइए कैसी लग रही है चिमकांडी सी लड़की बहुत दिन के बाद ऐसे तैयार हुई है टाइम नहीं होता तैयार होने का और हमारे घर में शादी है तो इसकी वजह से तैयारी हो गई है क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए हुए मेहमान आए हुए हैं तो उसको देखने उखने के लिए कोई आ सकता है इसकी शक्ल देख के डर ना जाए कोई कि वीडियो में कोई ऐसे कोई हाँ झाड़ू अच्छा है इससे झाड़ू लगाना तो ये पहन के अगर चार बार तुम घूम जाओगे ना तो झाड़ू लगाना जरूरी नहीं पड़ेगा ये पहन के चार बार तुम चार राउंड मार देना पूरे घर के ये प्री बेबी शूट के बाद पहली बार पहना है प्री बेबी शूट में पहना था हां प्री बेबी शूट वाले में बहुत पतला आ रहा था इस बार तो बहुत मोटा लग रहा है कपड़ा कि मौसम ऐसा हो चुका है कि आज शादी भी है घर में एंड ऐसा मतलब माहौल है कि मतलब बारिश का सब कोई ठीक नहीं है मतलब बहुत ही घटिया मौसम बोल सकते हैं ऐसे जनरली मौसम अच्छा है बट अच्छा आज है। के लिए अगर बारिश हो जाती है तो सारा जो फंक्शन है वो खराब बारिश नहीं होनी चाहिए बाकी ऐसा मौसम रहे ठीक है क्योंकि सभी लोग मेकअप करेंगे एंड रेडी होंगे तो दहाएगा क्या बात है क्या बात है इसको सिर्फ अपने मेकअप की चिंता लगा हुआ है कि मेकअप करेगी तो मेकअप का दह ना जाए चल पड़े हैं मार्केट की तरफ और मैं जा रहा हूँ अपने शॉप पे तो अभी आप देख सकते हो कि टाइम कितना हो चुका है एक्चुअली ये जो चश्मा दिख रहे हो आप ये मेरे छोटे भाई का उसने कार में डाल के छोड़ दिया तो अभी टाइम हो चुका है 11:20 सम क्या क्या कहना एक्चुअली प्रभाव अभी जो साइक्लोन चल रहा है उसका प्रभाव यहाँ भी दिखा जा सकता है हो रही है बट अभी नहीं हो रही है कॉलेज है इसका नाम है ABS कॉलेज कभी मैं इसको दिखाऊंगा डिटेल हे एवरीवन तो मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं और मम्मी आई थी अभी बाबू को लेके गई हैं और मैं शूट नहीं कर पाई और मैं जा रही हूँ मैं भी नीचे जा रही हूँ अभी नीचे ब्लॉग की आ चुका है और मैं भी देखने जा रही हूँ कि हाँ दुल्हन कैसी लग रही हैं तो चलते हैं अच्छा हाँ एवरीवन तो मम्मी डैडी हो चुकी है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी मम्मी कैसी लग रही है अब बेटू को देखिए बेटू ये तो दिन भर तैयार होते रहता है और गाना की आवाज़ आ रही है बहुत शोर नहीं सुनाई दे रही हो तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं मैं और मम्मी चुमाने जा रही है ना मम्मी तो चलिए चलिए जल्दी जल्दी एवरीवन तो मैं नीचे से आ चुकी हूँ और नीचे बहुत सारे लोग थे और दुल्हन भी थी बहुत ही प्यारी लग रही थी और हम दोनों मैं और मेरे बेटू भी उनके साथ पिक्चर क्लिक करा के आ चुके हैं और मम्मी अभी ब्लॉकी में गई हैं तैयार हो के फिर ये अभी तक नहीं आई ये शॉप पे गए हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा काम था और फिर मिलते हैं हम इनके साथ थोड़ी देर में हे एवरीवन तो ये अभी जस्ट पार्सल आया है और पता नहीं इसमें क्या है तो इसको खोल के देखते हैं क्या है और इतना बड़ा पार्सल है मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने क्या मंगाया था पता है इसको फाड़ के देखते हैं वाह यहाँ पे तो फटा हुआ है कुछ पीला पीला सा लग रहा है वाह क्या है इसमें जी क्या है इसमें बेटा जी हैं मेरे बेटू के लिए छोटे छोटे से पिलो
रहा स्माइली हार्ट वाला आईज इमोजी वाला पिल्लू, वाला पिल्लू वन, एंड ये एक आग मारने वाला और एक नहीं ऐसे है कैसे आ गया आ गया भाई। देखिए बाबू के लिए पिल्लो कवर, ये देखिए ये, अच्छा ये ऐसे है तो मैं अपने आँख को दिल कैसे बनाऊं ऐसे। अच्छा फोटो को फोटो क्लिक करवा के आए हैं हम लोग और ये वाला स्माइलिंग, और ये वाला भी स्माइल, सभी में स्माइल ही है। चश्मा कहाँ है? चश्मा लगा रहे हैं मुझे। आप भी जा रहे हैं क्या ब्लॉकी में डांस करने? डांस करने जा रहे हैं? पर आपके तो पैर दर्द कर रहे थे ना कल शाम को रात में, दबाएंगे फिर। एंड आम महुआ होने जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ साथ साथ में, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इस पल को, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। हाँ। आम महुआ यहाँ पे क्या कहते हैं, आम महुआ ब्याह चलता है उसमें क्या होता है, शादी होने से पहले आम महुआ का शादी यहाँ पे किया जाता है। आम महुआ का लड़की जैसे लड़का का शादी भी होता है तो पहले आम महुआ से होता है उसके बाद लड़की से होता है। कुछ बोले क्या बोलेंगे, इतना खुशी का माहौल है, भगवान बरसा दे रहे, भगवान बरसा बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, हम लोग बारिश से भीग रहे हैं एंड साथ में यहाँ पे पूजा, कौन सा पूजा हो रहा है, आम महुआ का, आम महुआ का पूजा हो रहा है, तो अब जल्दी से हम लोग घर भी जाएंगे क्योंकि भीग रहे हैं हम लोग जल्दी से। तो डांस करने नहीं बना डांस